तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पुराने बल्ब का यूज करके एक डिस्को लाइट बनाएंगे, या फिर आप इसे डेकोरेशन लाइट भी कह सकते हो। तो आप इस बल्ब का दिवाली में यूज कर सकते हो, और उसमें एक खास बात यह है कि इसकी कलर जो है वो चेंज होती रहती है। तो इस काफी हटके वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं इस पुरानी सीडी का यूज कर रहा हूं, आप देख सकते हो। तो मैंने सीडी में से इस पीस को कट कर लिया है, और मैंने इसे एमरी पेपर की मदद से घिस लिया है। और यहां पर मैंने सीडी के ऊपर कुछ मार्क बनाए हैं, आप देख सकते हो। तो मैं इस मार्क पर होल करने वाला हूं, तो उसे होल करने के लिए मैं इस सुई का यूज कर रहा हूं। तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस पर होल कर लिया है, और मैं कुछ होल नीचे की तरफ भी बना लेता हूं। तो यहां पर मैंने होल कर लिया है, और जब भी आप प्लास्टिक में कुछ होल बनाते हो मेल्ट करके, तो यहां पर कुछ छिलके निकल जाते हैं, तो मैं उसको ब्लेड की मदद से साफ कर लेता हूं। और यहां पर मैंने कुछ एलईडी लाइट्स को लिए हैं, आप देख सकते हो, और मैंने इन एलईडीज को सीरीज लाइट में से निकाला है। तो मेरे पास पुरानी खराब सीरीज लाइट थी, तो मैंने उसी में से निकाल लिया है, और आप चाहो तो खरीद भी सकते हो। तो मैं यहां पर दो कलर की लाइट्स को ले रहा हूं, एक है रेड और ग्रीन, और एक है रेड और ब्लू, और मैं इसे आगे पीछे दिखा दे रहा हूं, तो आप देख सकते हो। तो हम इन दोनों एलईडीज को लाइन बाय लाइन से लगाएंगे इस सीडी के चारों तरफ। तो मैं इसे लगाकर दिखा देता हूं। और मैंने दिवाली के टॉपिक पर ऑलरेडी कई वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां पर देख सकते हो। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कुछ भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने इन सभी एलईडी को इसके ऊपर फिक्स कर लिया है, और अंदर की तरफ जो मैंने 3 होल किए थे वहां भी मैंने इन एलईडीज को लगा लिया है, और इसके पीछे की तरफ से मैंने इन सभी लेग्स को फोल्ड कर लिया है, ताकि ये जो एलईडी है वो बाहर की तरफ ना निकले। तो अब हम इसकी वायरिंग कर लेंगे, और मैं इन सभी एलईडी को पैरेलल में कनेक्ट करने वाला हूं, मतलब कि सभी के पॉजिटिव को एक साथ और इन सभी के नेगेटिव को आपस में शोल्डर कर लेंगे। तो यहां पर मैंने इन सभी एलईडी के नेगेटिव को आपस में शोल्डर कर लिया है, और मैं यहां पर ब्लू वायर का यूज किया हूं, जो ब्लू है वो नेगेटिव हो गई। और इसके बाद मैं इसके पॉजिटिव में वायरिंग करने के लिए इस ग्रीन वायर का यूज कर रहा हूं, आप देख सकते हो। तो इसमें भी शोल्डरिंग कर लेते हैं, और आपको यहां पर ध्यान से शोल्डरिंग करनी है, आपको इन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में शॉर्ट नहीं होने देना है। तो यहां पर मैंने अंदर वाली लाइट की वायरिंग कर ली है, और अब हम इन दोनों एलईडीज को, मतलब कि जो बाहर वाली लाइट लगाई थी उसके नेगेटिव को अंदर वाली एलईडी के नेगेटिव के साथ और दोनों के पॉजिटिव को आपस में शोल्डर कर लेंगे। तो यहां पर मैं इस सर्किट का यूज कर रहा हूं, आप देख सकते हो, और ये जो सर्किट है वो 250 वोल्ट एसी से 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं इसे चलाने के लिए इस सर्किट का यूज करने वाला हूं, और आप देख सकते हो कि इसके पीछे की तरफ इसकी वायरिंग दी हुई है। ये दोनों जो वायर आपको दिख रहे हैं, ये है इसकी लाइन और न्यूट्रल, और ये जो कैपेसिटर की पॉजिटिव से एक वायर का ये है वो है पॉजिटिव, और कैपेसिटर के नेगेटिव वाली वायर है नेगेटिव। तो अब मैं इस पावर सप्लाई को इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर लेता हूं, आप देख सकते हो। ये जो बल्ब है इसके अंदर से 2 वायर निकली है, और ये दोनों जो वायर है वो 220 वोल्ट AC के साथ कॉन्टेक्ट में आती है। और यहां पर मैं इस 1K रेजिस्टेंस का यूज कर रहा हूं, आप देख सकते हो, आप लगा सकते हो। अगर आप इसको 9 वोल्ट से 12 वोल्ट से चला रहे हो तो भी लगा सकते हो, क्योंकि मैं यहां पर इसको पावर सप्लाई से चला रहा हूं, तो मैं इसीलिए थोड़ा सेफ्टी के लिए इसे लगा ले रहा हूं। और यहां पर मैं इस ग्रे वाले वायर को इस एलईडी के नेगेटिव के साथ और इस व्हाइट वाले वायर को इस 1K रेजिस्टेंस के साथ शोल्डर कर लेंगे। तो अब मैं इन एलईडी को इस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर मैं इन एलईडी को फिक्स करने के लिए इस सॉल्यूशन का यूज कर रहा हूं, आप देख सकते हो। आप इसकी जगह पर डबल साइड टेप का भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं इसको इसके ऊपर फिक्स कर लेता हूं, और मैं यहां पर थोड़ा सा वेट रख रहा हूं इसके ऊपर, ताकि ये जल्दी से सूख जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जो हमारा लाइट है वो बन चुका है। तो अब मैं इसके ऊपर इसके कैप को भी लगा लेता हूं, और इसके बाद इसे चेक करके देखेंगे। तो यहां पर मैंने इस बल्ब को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है, और अब आप देख सकते हो कि जो हमारा लाइट है वो काफी अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है, और एक काफी ज्यादा कलरफुल लग रहा है। मुझे तो ये पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है।
तो अब मैं इसे दीवार के होल्डर के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, और आप देख सकते हो इसमें जो कलर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज हो रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर के कैप को भी हटाकर दिखा देता हूँ, और आप देख सकते हो ये ऐसे भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रहा है, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। जब आप इसके ढक्कन को हटा दोगे तो ये और भी ज़्यादा कलरफुल दिखेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।